नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवाजी और उनके शासन प्रबंध के बारे में। हम जानने का प्रयास करेंगे कि वह शासन प्रबंध कैसा था जिसका संचालन और जिसकी शुरुआत छत्रपति शिवाजी ने की थी। शिवाजी एक सैनिक प्रतिभा संपन्न होने के साथ साथ उच्च कोटि के शासन प्रबंधक भी थे। उन्होंने अपने शासन सिद्धांतों के माध्यम से संपूर्ण क्षेत्र को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया था और अपनी जनहितेशी शासन प्रणाली की स्थापना की थी और राष्ट्रीय एकता की एक नवीन चेतना का संचार शिवाजी के द्वारा किया गया। शिवाजी ने जनता को एक स्वच्छ प्रशासन दिया, उसमें सभी जाति संप्रदाय के व्यक्तियों को समान स्थान प्राप्त था। यद्यपि उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र की नींव डाली, किंतु उनके शासन में अन्य धर्मावलंबियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। डॉक्टर आरसी मजुमदार ने लिखा है, वह केवल एक निर्भीक सैनिक तथा सफल विजेता ही न था बल्कि अपनी प्रजा का प्रबुद्धशील शासक भी था। शिवाजी के शासन की रूपरेखा निम्न प्रकार है। यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि शिवाजी का जो शासन प्रबंध था उसकी अलग अलग इकाई या फिर अलग अलग स्टेप में हम उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आता है केंद्रीय शासन, और केंद्रीय शासन का जो प्रमुख केंद्र होता है वो होता है राजा। सम्राट की स्थिति या फिर छत्रपति की स्थिति हम देखते हैं, क्योंकि मराठों में राजा को छत्रपति कहा जाता था। मध्य युग के सभी शासकों की भांति शिवाजी भी निरंकुश था, किंतु वह प्रजा के हितों का ध्यान रखता था, इसलिए उसे उदार निरंकुश राजा कह सकते हैं। शासन की संपूर्ण शक्तियाँ सम्राट में निहित थी। उसका अपने अधिकारियों पर अनुशासन कठोर था। यद्यपि शिवाजी पूर्ण निरंकुश था, किंतु वह अपने मंत्रियों तथा पदाधिकारियों की राय को महत्व देता था, उनका अनादर नहीं करता था, इसलिए पदाधिकारी भी उसे पूर्ण सहयोग करते थे। इसके बाद में हम देखते हैं उनकी मंत्रिपरिषद के बारे में। शिवाजी की मंत्रिपरिषद अन्य शासकों की तुलना में बहुत बेहतर थी, क्योंकि यहाँ पर जो पद दिया जाता था वो योग्यता के आधार पर दिया जाता था, ना कि जान पहचान या फिर राज परिवार के प्रमुख व्यक्ति होने के कारण। दोस्तों, जो शिवाजी की व्यवस्था थी मंत्रिपरिषद, उसे अष्ट प्रधान कहा जाता था, क्योंकि इसमें 8 मंत्री होते थे। केंद्रीय परिषद शिवाजी को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद थी जिसमें 8 मंत्री थे, किंतु वे आजकल की मंत्रिपरिषदों के सदस्यों की भांति नहीं थे। राजा अपनी इच्छा अनुसार उन्हें नियुक्त तथा पदच्युत कर सकता था, यानी कि राजा के ऊपर रहता था कि वे किसे मंत्री बना रहे हैं और कब किसे निकाल रहे हैं। 8 मंत्री होने के कारण इसे अष्ट प्रधान कहा जाता था। मंत्रियों के पद तथा काम निम्न प्रकार हैं। पेशवा, जो कि मुख्य प्रधान होते थे, इन मंत्रियों में सबसे बड़े मंत्री होते थे और एक प्रकार से वर्तमान समय के हम इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में भी देख सकते हैं। पेशवा का काम राज्य के संपूर्ण शासन तंत्र की देखभाल करना था। वह अन्य पदाधिकारियों के कामों पर नियंत्रण रखता था तथा राजा की अनुपस्थिति में उसका प्रतिनिधित्व करता था। सभी राजकीय पत्रों और कागजों पर राजा की मुहर के नीचे उसकी मुहर लगी रहती थी। शिवाजी का प्रधानमंत्री मोरो त्रिमल पिंगले था। दोस्तों, 1713 से पहले तक जो यहाँ पर प्रधानमंत्री की जो स्थिति थी वह अमेरिका के प्रधानमंत्री के समान रही होगी, यानी कि राजा जो था वह अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह बहुत शक्तिशाली था और वहाँ का जो प्रधानमंत्री था वो उसके अंडर में काम करता था। लेकिन 1713 के बाद साहू ने जब विश्वनाथ को पेशवा बनाया, तो उसके बाद से जो स्थिति हो गई वो इंग्लैंड की संसद की तरह हो गई। जो पेशवा हो गए, यानी कि जो छत्रपति हो गए, वो इंग्लैंड के राजा या रानी की तरह एक कठपुतली बन के रह गए, और जो पेशवा थे वो प्रधानमंत्री हो गए और उनकी पूरी शक्ति उनके हाथ में आ गई। सभी राजकीय पत्रों और कागजों पर राजा की हस्ताक्षर के साथ या फिर मुहर के साथ यहाँ पर पेशवा की मुहर भी लगी रहती थी। शिवाजी का प्रधानमंत्री मोरो त्रिमल पिंगले था। इसके बाद में हम देखते हैं आमात्य अथवा मजुमदार। यह अर्थ मंत्री था और इसका मुख्य कर्तव्य राज्य का हिसाब रखना था। अर्थ मंत्री का मतलब होता है वित्त मंत्री। इसके बाद में देखिए, मंत्री अथवा बकिया नवीस नाम से एक और पद था।
यह तीसरा मंत्री था और राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की कार्यवाही का विवरण रखना इसका काम था और यह सम्राट के भोजन तथा साथियों पर निगाह रखता था। फिर चौथा मंत्री आता है सचिव अथवा सुनवीस, यह पत्र व्यवहार का मंत्री था और राजकीय पत्र व्यवहार के लिए जिम्मेदार था। सचिव अथवा सुनवीस यह कौन था? तो यह पत्राचार मंत्री था, यानी कि कहीं भी अगर संदेशा भिजवाना है राजा को तो इसके जरिए भिजवाया जाता था, और कहीं से अगर संदेशा आ रहा है तो यही राजा तक पहुंचाता था। कौन था? सचिव अथवा सुनवीस, यानी कि पत्र व्यवहार का मंत्री, पत्राचार मंत्री भी हम इसे कह सकते हैं। सुमंत तथा दबीर यह विदेश मंत्री था, राज्य को विदेश मामलों में सलाह देता था, विदेशी मामलों में, और यह वर्तमान समय के जो विदेश मंत्री होते हैं उसी टाइप का एक पद था। सेनापति अथवा सनौबत कह लें तो सेना का प्रधान था और सैन्य संचालन तथा सेना की व्यवस्था करना इसका मुख्य कार्य था। फिर आता है जो सातवां मंत्री है, वो था पंडित राव अथवा दानाध्यक्ष, यह धर्म तथा दान विभाग का प्रधान था, यह प्रजा के आचरण पर निगाह रखता था, यानी कि धार्मिक मामलों में राजा जितने भी कार्य करता था उसकी देखरेख पंडित राव या फिर दानाध्यक्ष की देखरेख में होते थे। न्यायाधीश अथवा काजी उल कुजात, यह न्याय विभाग का प्रधान था और दीवानी तथा फौजदारी झगड़ों का निर्णय करता था, यानी कि जो मराठा साम्राज्य में सुप्रीम कोर्ट था उसका चीफ जस्टिस था भी यह, वो था न्यायाधीश या फिर काजी उल कुजात। इसके बाद में अभी हमने केंद्रीय शासन व्यवस्था देखा और साथ में मंत्रिपरिषद के बारे में जाना। अब हम देखते हैं जो प्रांतीय शासन थे, जो उनके सूबे थे, जिन्हें कहा जाता था पंत, यानी कि जो यहाँ पर राज्य होते थे उन्हें पंत कहा जाता था और जो साम्राज्य था उसे स्वराज कहा जाता था। तो यहाँ पर पंत की जो व्यवस्था थी, यानी कि प्रांत की जो व्यवस्था थी, उसे जो भाग राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था वह स्वराज कहलाता था और मराठा राज्य चार प्रांतों में बटा हुआ था। सेना के संगठन की बात कर लें तो सैन्य संगठन व्यवस्थित था, सैनिक 6 महीने युद्ध करते थे और 6 महीने खेतों में काम करते थे। सेना के निम्नलिखित अंग थे, अब अलग अलग अंगों को देखते हैं। घुड़सवार सेना का प्रमुख अंग था, इस सेना में दो प्रकार के सैनिक होते थे, एक तो पगा यानी कि राजकीय घुड़सवार होते थे, इनको राज्य की ओर से घोड़े तथा हथियार मिलते थे और 25 सैनिकों की टुकड़ी पर एक हवलदार रहता था, हर 5 हवलदारों पर एक जमादार होता था और हर 10 जमादारों पर एक हजारी होता था। सेना में सबसे ऊंचा पद पंच हजारी होता था और प्रधान सेनानायक सरनौबत कहलाता था। दूसरे सिपलहार घुड़सवारों की एक सेना होती थी और इनको घोड़े तथा हथियारों का प्रबंध स्वयं करना होता था। अगला आता है पैदल सेना। शिवाजी की सेना में पैदल सैनिकों का बड़ा महत्व था। पैदल सेना में सबसे छोटी टुकड़ी 9 सैनिकों यानी कि पाइको, इन्हें पाइका या फिर पीके भी कहा जाता है, इनकी होती थी और उनका अधिकारी नायक कहलाता था। प्रत्येक नायक के ऊपर एक हवलदार रहता था और हर 5 हवलदारों के ऊपर एक जुमलादार और हर 10 जुमलादारों पर एक हजारी होता था। सबसे बड़ा पद सप्तहजारी होता था और उच्चतम सेनानायक सरनौबत कहलाता था। शिवाजी के पास लगभग 2 लाख पैदल सैनिक थे, यानी कि कुल मिलाकर जो बात है वो ये है कि पैदल सैनिक जो होते थे वो सबसे बड़ी सेना थी इनकी और पैदल सैनिकों की, और 2 लाख से ज़्यादा इनके पैदल सैनिक थे शिवाजी के पास में। आपको इतना ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको समझ में आए वो आप आसानी से एग्ज़ाम में लिख कर आ सकते हैं, ये केवल समझाने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं तीसरे में आते हैं सम्राट के अंगरक्षक सैनिक, और इन पर सबसे ज़्यादा धन खर्च होता था। जैसे हम अभी देखते हैं कि जो जितने भी बड़े नेता होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर कोई भी हो, जो बहुत ज़्यादा VVIP होते हैं, इनकी सुरक्षा के लिए NSG कमांडो होते हैं, और NSG के डेवलपमेंट के लिए या फिर इनकी ट्रेनिंग या इनके खर्च के लिए बहुत ज़्यादा धन खर्च होता है। ठीक वैसे ही जब शिवाजी थे तो उनके समय में जो अंगरक्षक थे, जो उनके सुरक्षा करने वाले निजी सैनिक थे, वो बहुत ज़्यादा खर्चीले थे, उन पर बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता था, क्योंकि ये पूरी सेना में से सिर्फ चुने हुए 2,000 सैनिक होते थे जो कि बहुत ज़्यादा विशिष्ट होते थे।
इसलिए इन पर राज्य का बहुत अधिक धन व्यय होता था। अगला देखते हैं जल सेना। जल सेना भी शिवाजी के पास थी और 200 से ज़्यादा जहाज शिवाजी के पास थे और उनका बेड़ा कोलाबा में रहता था। तो खाना की बात करें तो ओरमे के अनुसार शिवाजी ने सूरत के फ्रांसीसियों से 800 तोपें खरीदी थी। यानी कि शिवाजी के पास आर्मी जो थी वो एक बहुत बड़े लेवल की थी। दुर्गों की व्यवस्था की बात करें तो शिवाजी के पास 280 दुर्ग थे, यानी 280 किले थे, और दुर्ग शिवाजी के राज्य के प्राण थे। दुर्ग में एक मराठा हवलदार, एक ब्राह्मण सूबेदार तथा एक कायस्थ किलेदार रहता था। सेना अनुशासित थी और अपने साथ युद्ध में बहुत कम सामान रखती थी। स्त्रियों को फौज में जाने की अनुमति नहीं थी। मरने वाले सैनिकों के परिवार की पूरी देखभाल राज्य करता था। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर इनकी कर व्यवस्था देख लेते हैं। अभी हमने जो सैन्य व्यवस्था देखी, अब हम इनकी कर व्यवस्था देख लेते हैं। भूमि कर व्यवस्था। शिवाजी की भूमि कर व्यवस्था क्षेत्र मिति सिद्धांतों द्वारा किए गए बंदोबस्त पर निर्भर थी। प्रत्येक गांव का क्षेत्रफल ब्योरेवार रखा जाता था और प्रत्येक बीघे की उपज का अनुमान लगाया जाता था। उपज का 2/5 भाग राज्य ले लेता था तथा शेष भाग किसान के पास रह जाता था। नए किसानों को बीज और पशुओं की सहायता दी जाती थी, जिसका मूल्य सरकार कुछ किस्तों में वसूल कर लेती थी। भूमि कर नगद अथवा अन्य के रूप में सरकारी हाकिम वसूल करते थे। शिवाजी की भूमि कर प्रणाली रैयत बाड़ी पर थी। रैयत बाड़ी का मतलब होता है कि सरकार कर सीधे किसान से लेगी, ना कि बीच में किसी मध्यस्थ को लाएगी। जमींदार या फिर जागीरदार इस टाइप के किसी मध्यस्थ को नहीं लाएगी, सीधे किसान से कर लेगी। वे जागीरदारों अथवा जमींदारों की प्रथा के विरुद्ध थे। वे नहीं चाहते थे कि जमींदार देशमुख और देसाई किसानों पर राजनीतिक प्रभुत्व रख सके। जहाँ तक हो सकता था वे अपने हाकिमों को वेतन के बदले जागीर देने के विरुद्ध ही रहते थे। शिवाजी जब कभी जागीर देते भी थे तो इस बात का ध्यान रखते थे कि जागीरदार अपनी जागीर में कोई राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित ना कर सके और किसानों पर अत्याचार ना करे। भूमि कर के अतिरिक्त कौन कौन से कर किस हिसाब से लिए जाते थे, इस जानकारी का कोई साधन उपलब्ध नहीं है, किंतु आयात कर, निर्यात कर तथा चुंगी कर अवश्य रहे होंगे। शिवाजी की आय का प्रमुख साधन चौथ था। यह पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था, यानी कि 25% कर लिया जाता था। जैसे 100 रुपये कमाए हैं तो 100 रुपये में से 25 रुपये राज्य को देना होता था, जिसे वसूल करने के लिए शिवाजी उन पर आक्रमण करते थे। चौथ हर साल वसूल करते थे। इस बात को याद रखिएगा कि जो चौथ कर होता था, ये खुद के राज्य में ना वसूल कर दूसरे राज्यों में वसूल करते थे, जिन्हें वो हरा चुके थे। उन पर इनडायरेक्टली शासन करते थे। उन्हें कहा था कि हम आपके ऊपर शासन डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से हम आप पर अधिकार नहीं कर रहे हैं, बस आप हर साल हमें इतना कर देते रहना तो हम आपको कुछ नहीं करेंगे। फिर जो दूसरा कर था वो सरदेशमुखी था, तो यह 1/4 था, यानी कि 1 10% टैक्स लिया जाता था। जैसे किसी ने 100 रुपये कमाए हैं तो उसे 10 रुपये टैक्स के रूप में सरकार को देना होता था। तो दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। जो चौथ होता था वो दूसरे राज्यों से जिनको हरा देते थे उनसे लेते थे, वो होता था 1/4 यानी कि 25% 100 का, और दूसरा होता था सरदेशमुखी, वो खुद के राज्य में लेते थे और ये होता था 10%। ठीक है, तो इस प्रकार से दो प्रमुख कर थे, चौथ और सरदेशमुखी। इसके बाद में हम न्याय व्यवस्था को देखते हैं। शिवाजी ने निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की स्थापना की और अष्ट प्रधानमंत्रियों की परिषद में एक न्यायाधीश भी होता था, जो प्रमुख मुकदमों के साथ साथ निम्न न्यायालयों की अपीलें भी सुनता था। शिवाजी की न्याय व्यवस्था प्राचीन पद्धति पर आधारित थी। दंड में उस समय अग्नि परीक्षा का भी प्रचलन था, वही अग्नि परीक्षा जिसे पार करके सीता माता आई थी। गांवों में बड़े बूढ़े पंचायतों में झगड़ों का निपटारा करते थे। फौजदारी के मुकदमों का निर्णय पटेल करता था। दीवानी तथा फौजदारी दोनों की अपीलें प्रधान न्यायाधीश अदालत में की जा सकती थी। न्यायाधीश स्मृतियों यानी कि सबूतों के आधार पर निर्णय करता था। दोस्तों, यहाँ पर फौजदारी और दीवानी का मतलब होता है, जो फौजदारी यानी कि हत्या डकैती टाइप पर, और दीवानी जो होते हैं वो फैमिली कोर्ट टाइप की, जो पारिवारिक या फिर घरेलू
मामले होते हैं उन्हें देखते हैं। अतः शिवाजी का शासन प्रबंध व्यवस्थित था। ग्रांट के अनुसार उसकी शासन व्यवस्था जनता के लिए हितकर तथा सुखदायक थी। वही हैग ने लिखा है, उसकी सारी प्रजा उस तक पहुंच सकती थी और साधारण लोग उसे ऐसी श्रद्धा भक्ति से भक्ति की दृष्टि से देखते थे जैसे उसका समकालीन भारत का कोई अन्य शासक नहीं देखा जाता था। चूँकि इस समय पर मुगलों के बाद सबसे बड़ी जो शक्ति थी वो मराठा थी, मुगल में थे औरंगजेब, उनके बाद में जो बहादुर शाह द्वितीय आते हैं, तो ये सब बिल्कुल बेकार टाइप के राजा हुए थे। एक तो निरंकुश थे, दूसरे अत्याचारी थे, तीसरे इनके ऊपर कोई दया भाव इनके अंदर था नहीं। इस समय पर जो शिवाजी थे वो इनसे कहीं तुलना में व्यक्तिगत रूप में भी बहुत अच्छे थे। इसीलिए जो इस समय का समय रहा उस समय सबसे महान शासकों में हम शिवाजी को देख सकते हैं। तो ये था शिवाजी का शासन प्रबंध। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जर्मनी की कवियत्री माशा कालेका कहती हैं, मत कहो यह मेरा है, आपको भी सब दूसरों ने ही दिया है, इस क्षण में रहो और देखो कि आपको कितना कम चाहिए, जितना है उतने में संतुष्ट रहिए, क्योंकि जो आपके पास है शायद वो किसी और के पास ना हो। इसीलिए हमेशा अपने आप को संतुष्ट रखिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।